दोस्तों लगभग 22 सालों के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई फिल्म गदर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज होते ही बड़े पर्दे पर काफी गदर मचा रखा है और इसकी कमाई को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही पीके संजू और दंगल को पीछे छोड़ते हुए शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तारा सिंह और सकीना की जोड़ी को दर्शकों द्वारा बहुत सारा प्यार मिल रहा है और यही कारण है कि गदर 2 फिल्म भारतीय फिल्म इतिहास में 15 अगस्त के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 100 साल के भारतीय फिल्म इतिहास में गदर 2 फिल्म ने सबसे ज्यादा 55 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर हम चर्चित फिल्मों की बात करें तो सनी देओल के पिता और सुपरस्टार धर्मेंद्र जी की फिल्म शोले भी 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म ने भी अपने दूसरे हफ्ते में रफ्तार पकड़ी और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। अपने पहले हफ्ते में शोले फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। इसके अलावा 15 अगस्त 2012 को ही रिलीज हुई फिल्म एकता टाइगर अपने पहले दिन यानी कि 15 अगस्त को लगभग 32 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी। इसके बाद 2019 को अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन मंगल रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन लगभग 29 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अन्य फिल्मों की बात करें तो बाटला हाउस और गोल्ड भी 15 अगस्त को रिलीज हुई थी, जहां बाटला हाउस ने 14 करोड़ रुपए की कमाई की तो वहीं गोल्ड फिल्म ने लगभग 25 करोड़ रुपए कमाए थे। हाल ही में अगर कुछ सालों की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस या इसके आसपास अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज होती आई है और इस साल भी गदर 2 के साथ ओएमजी 2 रिलीज हुई है और ओएमजी 2 फिल्म भी गदर 2 के सामने ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गदर 2 फिल्म पठान मूवी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप HK मोटिवेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।